करने के बाद हम वहाँ से चले आगरा, आगरा से फिरोजाबाद, फिरोजाबाद से इलाहाबाद, इलाहाबाद से औरैया, औरैया से कानपुर देहात, बुंदेलखंड, कालपी, उरई और उरई से झांसी, झांसी से महुआ, महुआ से बांदा, बांदा से कानपुर, फतेहपुर, फतेहपुर से देखिए हमारा ये सामाजिक परिवर्तन कर मथुरा से शुरू हुआ है कृष्ण जयंती, वहीं से हमने बातें गाड़ी से जा करके आशीर्वाद दिया है। करके 7 साल से ज़्यादा हो गए हैं हमको और अभी तक कोई वादा पूरा नहीं कर पाए और जनता के बीच में कितना गलत साबित हुए। आज ऐतिहासिक जगह आज हम गंगा के तट पर आज आप सब लोगों से वार्ता कर रहे हैं। कोयले की कमी और कोयले की कमी की वजह से और यहाँ तक कि एक तो महंगी बिजली एक साल में ये थे। सबसे पहला तो नारा था कि हम काला धन लाएंगे और काला धन हम आप तो बुद्ध जी भी हैं, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, आपको तो सब कुछ पता है कि काला धन कितना आया है। जब पेट्रोल पेट्रोल टंकी पर पहुंचे होंगे, पेट्रोल टंकी पर पहुंचे होंगे तो जब आपको पैसे निकाल के दिए होंगे तो सोचना पड़ा होगा। और आप इतने ही नहीं, आप तो हम जानते हैं कि आप घूमने फिरने वाले लोग हो, सबकी जानकारी लेने वाले हो, सकता है आपकी बहुत अच्छी स्थिति हो, आपकी बहुत अच्छी आमदनी हो, इन्हें पूछना छोटे छोटे दुकानदारों से भी चले जाना, मेरे अनुरोध पर चले जाना, जो 20,000, 25,000, 50,000 का वेतन पा रहे 51% मिलना चाहिए। और इसलिए मैंने इसमें केवल ये है, अगर आरक्षक की मांग करते हो ना, आरक्षक फिर पार्टियों को देना चाहिए। हमारी तो पहले से ये रहा है कि पार्टियों को दे दो, अगर पार्टियों को जितनी भी रजिस्टर्ड पार्टियाँ हैं उनको दे दो 5%, 10%, 15%, 20%, तो संख्या तो उससे ज़्यादा निकल जाएगी। फिर आरक्षक अगर देना है तो फिर तो दो आर्थिक आधार पर, फिर दो बैकवर्ड पर, फिर दीजिएगा अल्पसंख्यक पर, फिर दे दीजिएगा ऐसी कुछ। MLA हैं लगातार 30 साल से हम चेयरमैन हैं रहे हैं, चेयरमैन हमसे सीनियर कौन है, तो हमें तो देखिए बंगला तो एक देना ही था, चलिए थोड़ा सा मेरी भी तो सुन लो। अच्छा लखनऊ में बताइए कितने बड़े बड़े बंगला हैं, सत्याग्रह करने का तो अधिकार है और शांत तरीके से किसान बैठा और केंद्रीय गृह मंत्री उनको धमकी दे कि सुधर जाओ, बताओ शांत तरीके से सुधर जाओ नहीं तो फिर ठीक कर दिए जाओ, नहीं जानते हो हमारा इतिहास क्या है। तो ऐसी धमकी दे तो सबसे पहले तो सरकार को चाहिए था, प्रधानमंत्री जी को चाहिए था कि पहले ही दिन अगर किसानों पर इस तरीके से उनका बेटे के द्वारा अगर सरकार के द्वारा कुचल दिया जाए तो पहले तो गृह मंत्री राजमंत्री का इस्तीफा होना और उनके बेटे को तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेज देना चाहिए। तो इस तरीके की तब तो लाइन ऑर्डर मेंटेन है। आप बताइए आगरा में एक सफाई कर्मचारी पीटते इतने कितने प्रदेश में निर्दोष लोगों की हत्याएं हुई है, कितने लोग। और इस तरीके से लाइन ऑर्डर आप देख रहे होंगे कि अभी और बेहतर कम मेंटेन तो रहती, ये इस पर कभी आपने सोचा नहीं, सुनना चाहिए आपको, बुद्ध जी भी हो ना। दूसरी बात है सुरक्षा, कौन सी सरकार में किसको सुरक्षा नहीं मिली, दिए गए सीनियर आदमी को अगर जरूरत है। अच्छा मान लीजिए किसी पर
हमला हो जाए, हमला हमारे ऊपर, तो हमारे चुनाव में ही हमला हुआ, हमारे चुनाव में ही भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि था, उसके गांव में हम जब गए बूथ पे गए देखने पे हमला हो गया, और फिर हमसे तब भी सुरक्षा थी, उससे पहले भी सुरक्षा थी, पहले भी सुरक्षा थी, है तो सुरक्षा हमने मांगी तो नहीं। सर गठबंधन को बताइए, सपा तो राजनीति थी, जितनी भी बड़ी संस्थाएं थी जैसे रेल हुआ, टेलीफोन हुआ, एयरपोर्ट हुआ, इंडियन एयरलाइंस हुआ, जितने भी फायदे